Now see the term apospory, apogamy and parthenogenesis. First apospory. Apospory ये मैंने आपको शायद क्लास में भी करवाई थी. एपो मतलब पहले, स्पोरी मतलब स्पोरोफाइट, यानी कि स्पोरोफाइट से गैमेटोफाइट बनेगा एपोस्पोरी. जो भी टर्म है ना, आप इसको देख लो, यहाँ पे स्पोरो है तो इसका मतलब स्टार्टिंग में स्पोरोफाइट है और बनेगा क्या, गैमेटोफाइट. ठीक है, अगर एपोगेमी होता तो क्या होता कि गैमेटोफाइट है और बनेगा क्या, स्पोरोफाइट. कन्फ्यूज नहीं होना इनमें. तो एपोस्पोरी फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट से डायरेक्टली क्या बन जाए, गैमेटोफाइट. सो जो ये फॉर्मेशन है स्पोरोफाइट का, आप इसको ऐसे बोल सकते हो फॉर्मेशन ऑफ नॉन वैस्कुलर गैमेटोफाइट, क्योंकि आपको पता है कि गैमेटोफाइट कैसा होता है, नॉन वैस्कुलर. तो फॉर्मेशन ऑफ नॉन वैस्कुलर गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम वैस्कुलर स्पोरोफाइट इज कॉल्ड एपोस्पोरी. इट कैन बी नेचुरल, इट कैन बी आर्टिफिशियल. आप इसको आर्टिफिशियल भी इंड्यूस कर सकते हो, लाइक चेंज इन एनवायरमेंटल कंडीशन कुछ चेंज कर दो, या फिर मीडिया चेंज कर दो. जैसे स्टारवेशन मीडिया होता है जिसमें कार्बोहाइड्रेट नहीं होता, इट फेवर्स एपोस्पोरी. तो आप आर्टिफिशियल कंडीशंस में भी इसको कर सकते हो और इट कैन बी नेचुरल. अब यहाँ पर क्या होगा, देखो गैमेटोफाइट से बन रहा है, सॉरी गैमेटोफाइट बन रहा है किससे, स्पोरोफाइट. तो स्पोरोफाइट क्या होता है, 2N होता है, और जो स्पोरोफाइट से डायरेक्टली बनेगा विदाउट म्यूसिस वगैरह कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पर 2N नंबर था, तो गैमेटोफाइट में भी क्या होगा, 2N नंबर. गैमेट बनेंगे यहाँ पर भी 2N कंडीशन रह जाएगी. ठीक है, और अगर गैमेट्स में भी 2N कंडीशन होगी तो जाइगोट कैसा बनेगा, 4N कंडीशन, यानी कि टेट्राप्लोइडी डेवलप होगी. ठीक है, तो एपोस्पोरी को जनरली पॉलीप्लोइडी क्रिएट करने के लिए हम आर्टिफिशियली इसको इंड्यूस करते हैं. ठीक है, सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, ड्यूरी वाज द साइंटिस्ट जिसने इसको सबसे पहले रिपोर्ट किया था इन केस ऑफ शायद, हाँ ठीक है, एथेरियम फिलिक्स फिमिना, इसकी वैरायटी है क्लेरिसिमा. इसको जब इटैलिक करोगे तो आप इसको इटैलिक करना है, इसको करना है, इसको करना है, जो वैरायटी है इसको इटैलिक नहीं करते. ठीक है ना, अगर कंप्यूटर में लिखोगे तो इसको इटैलिक नहीं करना. ठीक है, सो दिस इज अबाउट एपोस्पोरी. सिंपली आप क्या बताओगे, ये एक दो नंबर में ही आता है, तो फॉर्मेशन ऑफ गैमेटोफाइट डायरेक्टली फ्रॉम स्पोरोफाइट. अगर ज़्यादा नंबर में आ जाए ना तो फिर ये कंप्लीट बताना आपको, अगर एक दो नंबर में है तो आप क्या होता है ये बता दो और एक दो लाइन लिख दो, ज़्यादा नहीं, आर्टिफिशियली नेचुरल इंड्यूस कर सकते हैं, दो लाइन लिख दो एक नंबर के लिए. दो नंबर में जो थोड़ा ज़्यादा लिख दो. ठीक है, एपोगेमी में क्या होगा, इसका जस्ट अपोजिट हो जाएगा. फॉर्मेशन ऑफ बताओ गैमेटोफाइट, सॉरी यहाँ पे एपोगेमी है ना, तो क्या होगा, गैमेटोफाइट से स्पोरोफाइट डेवलप होगा. ठीक है, और यहाँ पर भी जो नंबर है क्रोमोसोम का वो सेम रहेगा इन दोनों में, जो इतना इसमें है उसमें उतना इसमें रहेगा. और अगर गैमेटोफाइट्स में एग से डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट, अगर एग से डेवलप हो रहा है तो हम टर्म यूज करते हैं पार्थेनोजेनेसिस. अगर एग को छोड़ के बाकी किसी भी सेल से डेवलप हो रहा है स्पोरोफाइट, ठीक है, स्पोरोफाइट एग को छोड़ के बाकी किसी भी सेल से डेवलप हो रहा है तो हम टर्म यूज करेंगे एपोगेमी. और अगर एग से डेवलप हो रहा है तो क्या टर्म यूज करेंगे हम, पार्थेनोजेनेसिस. ठीक है, जो एपोगेमी है इसको भी सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया था, इसको रिपोर्ट किया था सबसे पहले फार्लो ने इन केस ऑफ टेरिस क्रिटिका. ठीक है, और जो टर्म एपोगेमी है किसने दी थी, डी बेरी ने. जहाँ पर मिलता है प्लांट्स में टेरिस है, ड्राइव टेरिस है, एडियाटम है, ओशमुंडा है. ठीक है, ये दो चैप्टर याद रख लेना. आर्टिफिशियल में आप एग्जाम्पल याद रखोगे जिसमें आपने आर्टिफिशियल इंड्यूस किया उसमें लाइकोपोडियम और इक्विसिटम. जो हार्मोन्स इसको इंड्यूस करते हैं आर्टिफिशियल जब इंड्यूस करते हैं तो कौन कौन से हार्मोन हेल्प करते हैं, जिब्रेलिक एसिड, इंडोल 3 एसिटिक एसिड, ये ऑक्सिजनी होता है. ठीक है, और एक है इथाइलिन. ठीक है, ऐसे ही आप जो पार्थेनोजेनेसिस, इसमें भी साइंटिस्ट का नाम याद रख सकते हो आप. यहाँ पे जो साइंटिस्ट है वो है फार्मर एंड डिगबाई. ठीक है,
तो आप ये एग्जाम्पल याद कर लेना और टर्म्स, और इसमें ज़्यादा कुछ आपको करना नहीं है। एक बार इनको आप, मैं ये नोट्स सेंड कर रहा हूँ आपको, आप इन नोट्स में से पढ़ लो। प्रिंटर अवेलेबल है तो हार्ड कॉपी निकाल लेना। बुक्स जो है ये प्रदीप वाली बुक है, इस बुक की मैं आपको फ़ोटो लेके आपको सेंड कर देता हूँ, और ये टॉपिक आपको आज तैयार करना है, ठीक है। आई होप यू विल डू इट।